अपने देश के आखिरकार दो नाम क्यों हैं। अपनी इस खास सीरीज के पहले भाग में हमने आपको दिखाया कि कैसे संविधान सभा में 18 सितंबर 1949 के दिन कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में एचपी कामत संविधान के प्रारूप के अनुच्छेद 1 में इस देश के नाम के मसले पर अपना संशोधन पेश करके एक बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। कामत की बात समाप्त हो चुकी थी और अब बारी बारी बाकी सदस्यों की बारी थी और बातें वेद और पुराण तक हुई। 18 सितंबर 1949 के दिन संविधान सभा का माहौल गर्म हो चला था। कामत अपना संशोधन प्रस्ताव पेश कर चुके थे। मसला देश के नए नाम का था। अब बाकी सदस्यों ने भी अपना पक्ष सभा में रखा। सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद से अनुमति लेकर सेठ गोविंद दास बोलने के लिए खड़े हुए। जबलपुर से आने वाले गांधीवाद विचारक और साहित्यकार गोविंद दास ने कहा, नामकरण में ख्याल रखना चाहिए कि सबसे सुंदर नाम चुना जाए। उन्होंने अंबेडकर की ओर देखा और बोले, डॉक्टर अंबेडकर मुझे माफ करें, इंडिया दैट इज भारत किसी देश के नाम के लिहाज से सुंदर शब्द नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि भारत, जिसे विदेशों में इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ये ज्यादा बेहतर होगा। हमारे मन में संतोष होगा कि हमने देश का नाम भारत रखा। कुछ लोगों को भ्रम है कि इंडिया हमारे देश का सबसे पुराना नाम है। इस पर राजेंद्र प्रसाद ने पूछा कि आपसे किसने कहा इंडिया सबसे पुराना नाम है। सेठ गोविंद दास बोले, कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे और इसके समर्थन में पर्चे भी बांट रहे थे। मैं बता दूं कि ये बहुत गलत है। इदम और इदे जैसे शब्द वेदों में हैं, लेकिन इनका संबंध अग्नि से है। हुआ यूं कि जब यूनानी लोग भारत आए तो उन्होंने सिंधु नदी को इंडस बोलना शुरू किया। इंडिया वहीं से निकला। आप वेद, पुराण, उपनिषद और महाभारत को देखें तो हर जगह भारत शब्द का उल्लेख मिलेगा। विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण में मुझे भारत शब्द का उल्लेख मिला है। चीनी यात्री वेंग सांग ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में इस देश का नाम भारत ही बताया है। वेद पुराण की बात कहने का ये मतलब नहीं है कि मैं प्रगतिशील नहीं हूँ, हालांकि हमारे प्रधानमंत्री और कुछ सदस्य ऐसा कहते हैं। सेठ गोविंद दास के तर्क अभी पूरे भी नहीं हुए थे। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना मत रख रहे थे। उन्होंने कहा कि देश का नाम भारत रखने का ये मतलब नहीं है कि हमें आगे बढ़ने से रोक दिया जाएगा। अगर हम देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत नहीं रखेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि अब अंग्रेजों का नहीं बल्कि अपना शासन है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमने आजादी की लड़ाई में भी भारत माता की जय का नारा लगाया था। सेठ गोविंद दास की एक बात एक और जहां वेदों और पुराणों का जिक्र था, वहीं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आक्रोश भी था। दरअसल उस वक्त की धारणा थी कि जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर समेत संविधान सभा के कई सदस्य चाहते थे कि देश का नाम इंडिया ही रहे। तर्क यह था कि दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानती है और कई देशों के साथ द्विपक्षीय या दूसरे समझौतों में भी देश का नाम इंडिया ही है। हालांकि हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि उस दिन की बहस में पंडित नेहरू और सरदार पटेल मौजूद थे या नहीं। इस ऐतिहासिक बहस के दौरान एक खास बात यह भी सामने आई कि देश का नाम इंडिया की जगह भारत नाम रखने का समर्थन दक्षिण भारत के भी सदस्यों ने किया था। सेठ गोविंद दास ने जहां अपने तर्कों में वेदों और पुराणों का जिक्र किया, तो वहीं दक्षिण भारत से आने वाले सदस्य कल्लूर सुब्बा राव ने भी देश के नामकरण के लिए संस्कृत के श्लोकों का उदाहरण दिया। मद्रास से आने वाले कल्लूर सुब्बा राव ने कहा, मैं भारत के समर्थन में हूँ। ये नाम ऋग्वेद और वायु पुराण में है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे शैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं और उसकी संतानों को भारती कहते हैं। देश का नाम भारत रखा जाए तो ये अच्छा है। संविधान सभा में उस दिन एक और अनुभवी सदस्य कमलापति त्रिपाठी ने भी अपना मत
भारत के पक्ष में रखा। कमलापति बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के रेल मंत्री भी बने। उन्होंने सवाल उठाया, दैट इज लिखना जरूरी था क्या? अच्छा होता अगर ये लिखा जाता भारत दैट इज इंडिया। कमलापति त्रिपाठी ने कामत का समर्थन करते हुए कहा कि भारत जिसे अंग्रेजी में इंडिया कहा जाता है, लिखा जाए तो ये उचित होगा। ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसे स्वीकार किया तो इससे देश का गौरव बढ़ेगा। भारत एक ऐतिहासिक नाम है और मैं इस नाम को सुनकर अभिभूत हो जाता हूँ। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसका ऐसा इतिहास और ऐसी संस्कृति हो। हजारों वर्ष के बाद भी हमारे देश को भारत कहा जाता है। यहाँ तक कि स्वर्ग में देवता भी इस देश को भारत के नाम से ही जानते हैं। गायंती देव किल गीत कानी, इसका उल्लेख विष्णु पुराण में है और पूरा श्लोक इस तरह से है, गायंती देव किल गीत कानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्ग पवर गास्पद मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषा सुरत्वाद। यानी स्वर्ग के मार्ग स्वरूप भारत भूभाग को धन्य धन्य करते हुए देवता इसकी प्रशंसा में गीत गाते हैं कि यहाँ पर मनुष्य जन्म पाना देवत्व प्राप्त करने से भी बढ़कर है। सभा में इसके बाद की कार्यवाही बेहद रोचक है। कमलापति त्रिपाठी ने एक एक करके धर्म ग्रंथों, वेदों, पुराणों से दृष्टांत निकालते हुए कहा कि जब हम भारत शब्द का उच्चारण करते हैं तब हमें भगवान राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध और शंकराचार्य की याद आती है। कमलापति के इन तर्कों पर अंबेडकर खड़े हुए और उन्होंने आपत्ति जताई और कहा कि इस भाषण की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर कमलापति त्रिपाठी ने कहा, मैं सिर्फ प्रासंगिक चीजें ही सुना रहा हूँ। अंबेडकर दोबारा बोले, अभी काफी काम बाकी पड़ा है। इस पर कमलापति त्रिपाठी अपना भाषण खत्म करते हुए बोले, अच्छा होता अगर डॉक्टर अंबेडकर कामत का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार कर लेते, इससे देश की प्रतिष्ठा बरकरार रहती, देश को उसकी खोई हुई आत्मा मिल जाती। कमलापति त्रिपाठी के तर्कों और बी आर अम्बेडकर के जवाब के बाद लग रहा था कि चर्चा समाप्त हो रही है, तो डॉक्टर पी एस देशमुख ने पूछा कि आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों है। इस पर अंबेडकर का जवाब था कि उनके पास अब और समय नहीं है। इस पर देशमुख ने तंज कसा कि आप सुनना नहीं चाहते तो जा सकते हैं। जाहिर है बात अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी सभा के सदस्य हरगोविंद पंत की। उन्होंने बोलना शुरू किया और कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि सदन को भारतवर्ष नाम स्वीकार करने में क्या परेशानी है, जबकि यहाँ हर किसी ने इस शब्द के महत्व और गौरव को स्वीकार किया है। भारत और भारतवर्ष जैसे शब्द हमारे पूजा विधान और संकल्प में भी प्रयोग होते हैं। हम कहते हैं जम्बू द्वीपे, भारतवर्षे, भरतखंडे, आर्यवर्ते। कालिदास ने भी दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का उल्लेख किया है, उन्हीं के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भारतवर्ष नाम से क्या दिक्कत है। बहस खत्म होने के बाद ये स्पष्ट था कि इस मसले पर वोटिंग जरूर होगी। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कामत के संशोधन प्रस्ताव की घोषणा करते हैं। आर्टिकल 1 क्लॉज 1 के लिए सूची संख्या 4 में संशोधन संख्या 130 के तहत प्रस्ताव किया जाता है कि भारत जिसे अंग्रेजी भाषा में इंडिया भी कहते हैं राज्यों का संघ होगा। कामत के संशोधन प्रस्ताव पर सभा में दो तरह के मत दिखते हैं जिसके बाद गिनती होती है। 38 सदस्य इस प्रस्ताव के समर्थन में हाथ खड़े करते हैं जबकि प्रस्ताव के विरोध में 51 सदस्यों ने हाथ उठाए। यानी संविधान सभा 38 के मुकाबले 51 मतों से इंडिया के पक्ष में वोटिंग करती है। इस तरह से देश का नाम भारत रखे जाने का प्रस्ताव गिर जाता है। 18 सितंबर 1949 को सदन की कार्यवाही तो 6 अक्टूबर 1949 तक के लिए स्थगित हो जाती है, लेकिन आप कह सकते हैं कि उस दिन देश का नाम भारत रखे जाने की इच्छाएं भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गईं। कई साल बाद ये मांग देश की सबसे बड़ी अदालत पे भी पहुंची, जिसकी कहानी हम आपको इस सीरीज के अगले वीडियो में बताते हैं।